मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च किया। इस दौरान गोरखपुर के NIC हॉल में AD हेल्थ डॉक्टर जनार्दन मणि त्रिपाठी, CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लॉन्चिंग के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से किसी भी कोविड जांच केंद्र की जानकारी हासिल की जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब तक राज्य में कुल कोविड के 2 करोड़ से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सर्दी के मौसम के कारण मामले बढ़ सकते हैं। उन्होंने आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। अब जहाँ कहीं भी है प्रदेश में, मैप से आपके आसपास ऐसी केंद्र उनको आप दे सके, और हमने केवल उन्हीं केंद्रों पर रखा है जहाँ पर भी किसी व्यक्ति को निशुल्क टेस्ट की सुविधा मिले, उत्साह और ऊर्जा देता है। हमने निरंतर जो टीम 11 की बैठक आपने की है कि जब त्योहार है या शादियों का मौसम है, उन सबको सभी कार्यक्रमों को सही तरीके से सफल रहे। सर, आपकी अनुमति से एक डॉक्टर वसंत, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डॉक्टर वसंत, आपसे अनुरोध है कि आप दरअसल दो स्लाइड का कोविड महामारी से निपटने के लिए तो दिखाई पड़ेगा, अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, केवल कंप्यूटर की सुविधा है, तो वो जाकर के अगर आप डाउनलोड नहीं किया तो वो DG मेडिकल हेल्थ की साइट पर जाकर के पूरी लिस्ट देख सकता है, पूरे जिले में किस जिले में कहां पर सेंटर है, सब दिखाई पड़ेगा। तो वो भी सुविधा है, लॉन्च कर दीजिए। अनुरोध करूंगा परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों को आशीर्वचन दें। कुछ दिख रहा है? हाँ, ये बहुत जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग के मंत्री, राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी, आज के समारोह में उपस्थित अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री मोहन प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर सुनील दुबे जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पहले स्वास्थ्य विभाग को आज COVID-19 की इस लड़ाई में सफलतापूर्वक 2 करोड़ से अधिक जांच करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। ऐसे राज्य में यह अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं है। COVID-19 के खिलाफ जब हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया था, तब हमारे पास जांच की सुविधा का अत्यंत अभाव था।
23 मार्च को जब लखनऊ के पीजीएमयू की बीएसएल लैब में हम लोगों ने टेस्ट प्रारंभ किए थे तो एक दिन में केवल 72 टेस्ट हो पाए थे, लेकिन प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और सभी विभागों के बेहतर समन्वय यानी एक टीम वर्क का परिणाम है कि आज प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 लाख से लेकर के 2.25 लाख तक और उस दिन तो ऐसे भी थे जब हम लोगों ने 2.25 लाख से भी ऊपर टेस्ट कोई भी राज्य इतने बड़े पैमाने पर टेस्ट नहीं कर रहा है। हम सोचे पहले टेस्ट केवल एंटीजन टेस्ट नहीं, इसमें लगभग 40-50 टेस्ट आरटीपीसीआर के हैं। अच्छी जो हमारी लैब्स बनी है बीएसएल लेवल 3 या लेवल 2 की जो लैब्स हैं उनमें जो टेस्ट हो रहे हैं आरटीपीसीआर के, उन सब को काउंट करने के बाद हम लोग व्यापक पैमाने पर हो रहे प्रदेश के अंदर कोविड-19 के टेस्ट का परिणाम है कि हम लोगों ने इस महामारी के संक्रमण को काफी हद तक प्रदेश में फैलने से रोका है। हर एक कार्य के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम होते हैं। अब तक पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग धरना प्रदर्शन के लिए लोग करते थे, लेकिन हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग व्यापक जागरूकता के लिए भी किया और प्रदेश के अंदर सैकड़ों स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 के प्रति आम जन को सतर्क बनने, उसके लिए बरती जाने वाली सावधानियों का कैसे उपयोग करना है इसके बारे में भी व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। प्रदेश के अंदर विधायक को जहां उत्तर प्रदेश की कहीं गिनती नहीं होती थी पहले चरण में जब कोविड-19 की जांच आरटीपीसीआर से शुरू हुई, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक जांच करने वाला राज्य है, सबसे अधिक जांच करने वाला राज्य बना और तकनीक का बेहतर उपयोग करने के लिए करते हुए प्रदेश की 24 करोड़ जनता को और कोविड के खिलाफ देश की संदेश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर किया है। वहीं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोगों ने किसी भी व्यक्ति को यानी जो भी प्रदेश के अंदर अगर कोविड पॉजिटिव का संक्रमण किसी पे हुआ और वह किसी कोविड हॉस्पिटल में वन लेवल 1 लेवल 2 या लेवल 3 किसी भी स्तर का हॉस्पिटल रहा हो वहां पे दी जाने वाली सर्विसेज को उसने अपने जीवन के यादगार क्षणों के रूप में बदला, क्योंकि वहां पे जो माहौल मिला वहां पे भी हम लोग नए नए प्रयोग करते गए। कहीं पे हम लोगों ने अखबार वितरित किए, कहीं पे टेलीविजन सेट देकर के वहां पर उनको टेलीविजन के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को देख सके इसकी सुविधा दी। सीएम हेल्पलाइन और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ उनके बेहतर संवाद की व्यवस्था की गई। बहुत सारे जनपद ऐसे थे जहां पे हमारा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, बेहतर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं, वहां पे हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल सीएसआर के मद से बनवाने में सफलता प्राप्त की और बेहतरीन सुविधा लोगों को वहां पे उपलब्ध कराई। सफलता और भी आवश्यक हो जाती है। आज मेरा कोविड केंद्र यह एक प्रकार का कोविड मॉनिटर ऐप है, यानी कोविड के बारे में जांच की सुविधा हमें कहां प्राप्त हो सकती है ये हमें ऐप उपलब्ध कराएगा। और जैसे अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने बताया कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी है, आपके पास सूची है, उस सूची के अनुरूप भी आप उस केंद्र में जाएंगे। अब तक 2 करोड़ जो जांचें हुई हैं, ये 2 करोड़ जांच को प्रदेश सरकार ने निःशुल्क उपलब्ध करवाया है। 2 करोड़ जांच निःशुल्क हो, जिसके पहले चरण में आप याद करिए जब आरटीपीसीआर की पहली जांच हुई 4500 रुपए की थी, मेरी जांच घट करके 2500 रुपए में आई, आज ये घट करके 800 रुपए में भी आ रही है, लेकिन हम लोग इसको शुरू से फ्री में करवा रहे हैं। ऐसे एंटीजन टेस्ट का भी है, ट्रूनेट टेस्ट का भी है, ये सभी फ्री में जांच हो रही है।
और ये सुविधा प्रदेश के अंदर सावधानी और सुगमता की दृष्टि से प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। मैं आज की इस मेरा कोविड एक्ट केंद्र एक्ट के लॉन्च होने के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए गए प्रयासों और एक टीम वर्क की मैंने सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूँ कि इस ऐप का लाभ प्रदेश की जनता लेगी और बेहतरीन तरीके से कोविड के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।